डियर स्टूडेंट दिस इज़ प्रोफेसर विशाल गुप्ता एंड आर टुडेज टॉपिक इज हियर डिस्टिंग्विश बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस सबसे पहले ऑलमोस्ट लोगों को लगता है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट हैं जबकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है तो आज हम लोग उन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या डिफरेंस है आखिर तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपने आप हमारा डिस्टिंग्विश का काम खत्म हो जाएगा देखिए जब हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स की तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स एक ई e बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है लेसन अगेन ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा एक छोटा सा पार्ट है ई e बिजनेस के अंदर खाली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ई e कॉमर्स जैसे आप ऑनलाइन आप जाते हैं शॉपिंग करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूँ आप अमेजॉन पर जाते हैं मंत्रा पे जाते हैं फ्लिपो पे, पे जाते हैं वहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं ई e कॉमर्स यहाँ पर दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है दो लोगों के बीच में लेने होता है एक बायर और दूसरा सेलर वो भी ऑनलाइन कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन या कोई फिजिकल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है जबकि अगर वहाँ पर हम ई e बिज़नेस की बात करें तो ई e बिज़नेस एक बड़ा पार्ट है ई e कॉमर्स इसके अंदर का एक पार्ट है ई e बिज़नेस के अंदर एक बिजनेस अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ अपने डेली रूटीन बिजनेस को चलाने के लिए जो भी सारे काम करता है ऑनलाइन वो सारे के सारे काम उसके ई e बिज़नेस के अंदर में आते हैं जैसे एग्जांपल अभी ई e बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग तो आएगा डेफिनेटली आएगा प्लस वो अपने इंप्लाइज के साथ इंटरेक्ट करता है वो भी ई e बिजनेस का पार्ट है वो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है वो भी ई e बिजनेस का काम पार्ट हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करता है वो भी ई बिजनेस का पार्ट है इन शॉर्ट ई बिजनेस के अंदर बिजनेस रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं चाहे बाइंग सेलिंग हो चाहे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना हो चाहे अकाउंटिंग को मैनेज करना हो चाहे फाइनेंस करना हो चाहे कुछ भी करना हो वह सारी चीज़ें जो बिजनेस के अंदर होती हैं वह सारी की सारी ई बिजनेस के अंदर आती हैं वापस मैं आपको बोल दूँ ई कॉमर्स ई e बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है जबकि ई बिजनेस एक बड़ा पार्ट है जिसके अंदर ई e कॉमर्स आता है तो चलिए मैं आपको एक सिंपली आपको यहाँ पे बोल देता हूँ आप देख सकते हैं स्लाइड पे ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर खास करके बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो इसमें ई e कॉमर्स के अंदर आता है स्पेशली आई कैन से दैट बी टू सी बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ ई बिज़नेस पार्ट मतलब हिस्सा या आपके एक ई बिजनेस e का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम सब पार्ट भी बोल सकते हैं अभी जैसे एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह जो भी करते हैं यह सब एक आपके कॉम ई कॉमर्स का हिस्सा होता है क्योंकि एक सेलर और दूसरा बायर इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो क्या कहलाएगा ई e कॉमर्स जबकि आप अपोजिट साइड में देखेंगे ई बिजनेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इट इंक्लूड्स ऑल ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज़ सारे जितने भी ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं ए टू जेड ई कॉमर्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस ई कॉमर्स खाली उसका छोटा सा हिस्सा है बिकॉज इट इंक्लूड ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्योंकि ई e बिजनेस के अंदर सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं चाहे वो बाइंग सेलिंग हो चाहे इंप्लाइज को मैनेज करना हो चाहे फाइनेंस मैनेज करना हो चाहे अकाउंटिंग मैनेज करना कुछ भी हो सारा का सारा ई e बिजनेस के अंदर में आता है तो वापस इस स्लाइड का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता दूँ जिसके अंदर में आपका सब कुछ आ जाएगा ई e कॉमर्स जो है उसके अंदर खाली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है जबकि ई बिजनेस के अंदर सारे बिजनेस एक्टिविटी जो भी बिजनेस अपना काम करता है वो सारे के सारे ई e बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं ई बिजनेस एक वास्ट कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स एक उसका छोटा सा हिस्सा है आप यहाँ एक इस पिक के अंदर देख सकते हैं ई कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पर ई बिजनेस आप देखेंगे तो वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं वो आपके इंप्लॉयज़ भी हो सकते हैं वो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है वो आपका कुछ भी जो भी आपका रिलेटेड मैटर रहेगा वह सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे बिजनेस रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे चाहे बाइंग सेलिंग एम्प्लॉयज कस्टमर्स आपका कोई भी चीज़ कोई भी डिपार्टमेंट जो बिजनेस रिलेटेड होगा वह सारा का सारा ई e बिजनेस के पार्ट में आ जाएगा हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस आप देखेंगे उसके अंदर जो कैपिटल लेटर में चीजें दी गई हैं खाली आप उतना ध्यान दीजिए बाकी सब अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा पहला मेनी ई कॉमर्स इन्वॉल्व कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब समझते हैं बाइंग एंड सेलिंग इसके अंदर क्या आता है बाइंग एंड सेलिंग डन ओवर द इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो किसके अंदर आता है ई कॉमर्स जबकि आप ई e बिजनेस में देखेंगे इट कंडक्ट बिजनेस प्रोसेस ऑन द इंटरनेट बिजनेस प्रोसेस आप जो भी करते हो सारे बिजनेस प्रोसेस सारे के सारे बिजनेस प्रोसेस जो आप इंटरनेट पे करते हो चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो चाहे इंप्लाइज को मैनेज करना हो चाहे फाइनेंस मैनेज करना हो कुछ भी करना हो सारा का सारा वह काम जो बिजनेस रिलेटेड आप ऑनलाइन करते हो वह सारा का सारा आपके ई e बिज़नेस का पार्ट होता है नेक्स्ट व्हाट इज इट पहला कॉमर्स मतलब e का. E का एक सबसेट सबसेट मतलब छोटा हिस्सा है किसका ई बिजनेस का ई बिजनेस का एक सबसेट है सबसेट मतलब एक पार्ट है ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस का एक पार्ट है जबकि आप सेकंड साइड में देखेंगे ई बिजनेस इज द सुपर सेट ऑफ द ई कॉमर्स सुपर सेट मतलब ऊपर मतलब ई e बिजनेस क्या है ऊपर है और कॉमर्स उसके नीचे है ई बिजनेस सुपर है और जबकि ई कॉमर्स क्या है सबसेट है मतलब ई बिजनेस टॉप है और ई e कॉमर्स उसका एक हिस्सा है फीचर्स ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स क्या है खाली बाइंग एंड सेलिंग लेकिन जब आप ई बिजनेस देखेंगे तो ये बिज़नेस के अंदर सब कुछ आएगा पहले जो बाइंग सेलिंग हुआ वापस री सेल कर रहे हो उसके बाद सेल करने के बाद उसको वारंटी दिया है गारंटी दिया है उसका सर्विसिंग कर रहे हो आफ्टर सेल सर्विस सेल प्रोवाइड कर रहे हो जो सारी चीज़ें हैं सब चीज़ें ये बिजनेस के अंदर काउंट होंगी खाली सेल नहीं री सेल री सेल के बाद में पोस्ट सेल में जो अभी आप काम करते हो एम्प्लॉइज़ को मैनेज करते हो सब सब सारे काम ई बिजनेस के अंदर में काउंट होते हैं देखिए ई बिजनेस इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ री सेल एंड पोस्ट सेल एफर्ट सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं वह ई e बिजनेस के अंदर में कंसिडर किए जाते हैं ई e कॉमर्स के अंदर में खाली बाइंग एंड सेलिंग ई बिजनेस के अंदर चाहे रीसेल हो कुछ भी हो सब कुछ कंसिडर किया जाएगा कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स एक छोटा कॉन्सेप्ट है ई e बिजनेस जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों ई ई कॉमर्स एक छोटा कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं नैरो नैरोप्ट क्योंकि खाली बाइंग एंड सेलिंग करता है जबकि आप ई e बिजनेस की बात करेंगे देन इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ब्रॉडर मतलब क्यों ब्रॉडर है आप देख सकते हैं क्यों बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोडक्शन मार्केटिंग सप्लाई चैन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट एंड यूजिंग डेटा माइनिंग मतलब सब कुछ ए टू जेड एक बिजनेस रिलेटेड जो भी मैटर है वह सारा हैंडल करता है इसलिए ई बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ई कॉमर्स एक छोटा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन ई e कॉमर्स के अंदर बी टू सी होता है बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर मतलब ई e कॉमर्स ज़्यादातर जा, किसके बीच में होता है एक बिजनेस अपने कस्टमर को सामान बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं ई कॉमर्स बोलते हैं जैसे एग्जाम्पल आप अमेज़ॉन पर सामान खरीदते हैं तो क्या हो गया आपका ई e कॉमर्स हो गया बायर एंड सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन है लेकिन जब हम बात करेंगे ई e बिज़नेस की तो ज़्यादातर ई e बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है बी टू बी होता है बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस जैसे एग्जांपल हमारी कंपनी है हमें फाइनेंस का काम करवाना है तो हम क्या करेंगे फाइनेंस का काम किसी सी एजेंसी को दे देंगे तो सी एजेंसी जो है सी ए फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सी फॉर्म जो है वो क्या करेगी हमें अकाउंटिंग का काम करके देगी तो क्या हुआ हम भी बिजनेस जिस सी ए फॉर्म से हमने काम करवा के लिया वो भी बिजनेस तो क्या होगा बी टू बी या समझो हम कोई कार वगैरह बना रहे हैं तो उसका दूसरे पार्ट्स सब पार्ट्स जो हम दूसरे किसी बिजनेस से खरीदेंगे वो भी क्या हो गया बिजनेस टू बिजनेस हो गया तो यहाँ पर जब हम ई e बिज़नेस की बात करेंगे चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो चाहे किसी और से काम करवा के लेने की बात हो तो ई बिज़नेस ज़्यादातर बी टू बी में डील करता है जबकि ई कॉमर्स बी टू सी में डील करता है नेक्स्ट विच नेटवर्क इज़ यूज ई कॉमर्स याद रखिए मैंडेटरी इंटरनेट यूज़ करता है क्या यूज़ करता है इंटरनेट इंटरनेट आपको पता है ना आप जाते हो गूगल पे टाइप करते हो डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मंत्रा तो ई कॉमर्स इंटरनेट इन यूज करता है जबकि वहीं पे ई बिजनेस की बात किया जाए तो ई बिज़नेस में कई चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं इंटरनेट यूज़ कर सकता है इंट्रानेट यूज़ कर सकता है एक्स्ट्रानेट यूज़ कर सकता है अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस ई कॉमर्स इंटरनेट यूज़ करता है ई बिजनेस आपका इंटरनेट भी यूज़ करता है इंट्रानेट भी यूज़ करता है और एक्स्ट्रानेट भी यूज़ करता है अब इन तीनों वर्ड के बीच में क्या फ़र्क है मैं आपको अभी थोड़े टाइम में बताऊँगा डोंट वरी फिलहाल एक बार वापस से स्लाइड देख लेते हैं ई e कॉमर्स क्या करता है उसका कॉन्सेप्ट क्या ई कॉमर्स नैरो कॉन्सेप्ट है ई बिजनेस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इतना आपके लिए काफ़ी है ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स में बी टू सी ट्रांजेक्शन होता है मतलब बिजनेस टू कस्टमर ई बिजनेस के अंदर बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है नेटवर्क ई कॉमर्स इंटरनेट यूज़ करता है इंटरनेट मतलब जो जनरल आप सबके लिए पूरी दुनिया में जो यूज़ हुआ होता है दैट इज़ इंटरनेट पूरी दुनिया में किसी कोने में बैठा हुआ बंदा जो यूज़ कर सकता है उसको बोलते हैं इंटरनेट जबकि ई e बिजनेस इंटरनेट भी यूज़ कर सकता है इंटरनेट भी करता है एक्सट्रानेट भी करता है चलिए तीन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं देखिए इंटरनेट जो होता है ऑल पब्लिक के लिए होता है ऑल पब्लिक मतलब दुनिया के किसी कोच में बैठा हुआ भी कोई भी इंसान उसे ऑपरेट कर सकता है जबकि एक्स्ट्रा नेट जो होता है एक्स्ट्रा नेट हमारी कंपनी और हमारे कोई जो थर्ड पार्टी जो रिलेटेड जिनको हम परमिट करें वही हमारे उस एक्स्ट्रा नेट को यूज़ कर सकते हैं जैसे एग्ज़ाम्पल साथ हमारे दो चार डीलर्स हैं जो समझो एक डीलर हमारा दिल्ली में बैठा हुआ एक डीलर हमारा मुंबई में बैठा हुआ तो वही और हम डी यूज़ कर सकते हैं हमारा वेंडर हो गया वेंडर मतलब हमारा जो भी पार्टीज़ है हमारे जो पार्टनर्स हो गए या जो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड पर्सन है खाली वही यूज़ कर सकता उसके अलावा जनरल पब्लिक उसको यूज़ नहीं कर सकती इंट्रा नेट मतलब हमारी कंपनी के अंदर जो बैठा है वही खाली उसे यूज़ कर सकता हमारे कंपनी के अंदर से बाहर अगर कोई गया तो इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता वापस मैं बता रहा हूँ अलग अलग टाइप के इंटरनेट सेटिंग हुआ करते हैं मैं वापस रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ इंटरनेट मतलब हमारे कंपनी के अंदर जैसे बहुत सारी कंपनी होती है जो टी सी एस वी हैं वो लोग बहुत सारा इंटरनेट यूज़ करते हैं इंटरनेट का मतलब उस कंपनी के अंदर जब आप बैठोगे उस कंप्यूटर में जब आप बैठोगे वह यूज़र आई और पासवर्ड डालोगे तो ही आप यूज़ कर पाओगे उस कंपनी के बाहर जाने के बाद आपको उसका इस्तेमाल होने वाला नहीं नयागे नाम टेलिंग इंट्रानेट मतलब कंपनी के अंदर एक्स्ट्रानेट मतलब कंपनी के अंदर प्लस कुछ पार्टीज़ जैसे हमारे वेंडर हो गए बिजनेस पार्टनर्स हो गए या जो भी हैं उनको खाली हम लोग जिनको परमिट करेंगे वो यूज़ कर पाएंगे मतलब कंपनी के अंदर और प्लस हमारे कुछ सिलेक्टेड लोग उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट मतलब ऑल ओवर पब्लिक कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड उसका यूज़ कर सकता है तो ये हो गया आपका इंटरनेट एक्स्ट्रानेट इंटरनेट अगेन इंटरनेट जनरल पब्लिक एक्स्ट्रानेट हम और प्लस हमारी कुछ सेलेक्टेड पार्टीज और इंटरनेट मतलब खाली हमारे कंपनी के अंदर इन उसके बाहर कोई यूज़ नहीं इंटरनेट जनरल पब्लिक एक्स्ट्रानेट हम प्लस थर्ड पार्टी हमारी इंटरनेट खाली कंपनी के अंदर उससे बाहर नहीं तो इस वाली स्लाइड में जो हमने सिक्स बात की थी वही की थी ई कॉमर्स जो है इंटरनेट यूज़ कर सकता है जबकि ई बिजनेस मतलब तो खाली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन तीनों यूज़ कर सकता है इंटरनेट भी इंटरनेट भी एक्स्ट्रानेट भी I hope all of you have enjoyed and learned many things from this video. Still, if you have any doubt and confusion, you can ask in the comment. Still, if you have any suggestion and uh, guidance, you can also comment. I'll improve from next video. Thank you very much to all of you for watching the video.